नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले फिर से एक बार सुजलॉन एनर्जी की। जी हाँ, बैक टू बैक बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर इस बार 100.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला है और अभी इसी हफ्ते में थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया जहाँ पर आपको बताया था 47.6 मेगावाट का ऑर्डर मिला था गुजरात में। तो क्या कुछ खबर है, सब कुछ सब पे चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये, तो वहाँ से आपको ब्रेकआउट की बिल्कुल बड़ी संभावना है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल डुबा बैठेंगे। यहाँ केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालता हूँ, जैसे सुजलॉन वाली न्यूज़ देखिए मैंने पहले ही डाल दी थी। ESM में जो स्टॉक्स आ रहे हैं रोज़ मैं लिस्ट डाल देता हूँ जो भी रोज़ आ रहे हैं। और ये वीडियो आलोक इंडस्ट्रीज तो ही है, ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ESM, जिसमें मैंने ESM के बारे में पूरा डिटेल में बताया। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये वीडियो ज़रूर देखिए जाके, नहीं तो सच में आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को ESM की स्टेज 2 में डाला जा रहा है, जहाँ पर केवल मंडे ट्रेड होता है और उस वहाँ से निकल पाना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट ये देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, न्यूज़ पे आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 14 जुलाई का अपडेट है, NSE और BSE दोनों को इन्होंने सूचित किया है और यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है 100.8 मेगावाट का ऑर्डर मिला इनको। कौन सी कंपनी से? एवरी न्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से। इससे पहले वाला जो था वो मिला था इनको गुजरात में, एक कंपनी थी वहाँ से। तो यहाँ पर हम थोड़ी बेसिक डिटेल देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, परेशान मत होइए, लास्ट में लोग सीधा चार्ट पे चलेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए 100.8 मेगावाट का ऑर्डर इनको मिला है। देखिए, टू सप्लाई 48 विंड टर्बाइंस विद अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 2.1 मेगावाट ईच, एक के हिसाब से, यानी कि एक टर्बाइन इतना बनाएगी बिजली, समझ रहे हैं बात को। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रोजेक्ट जो है ये 2024 तक इनको कंप्लीट करना है। कहाँ पर मिला है ये? करूर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वेंगी मंडलम कोई है जगह त्रिची में, तो यहाँ के लिए इनको ऑर्डर मिला है तमिलनाडु में। और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ये जो लाइट जो ये बनाएंगे उससे कितने 65,000 घरों को बिजली दी जा सकती है और इससे लगभग 2.58 लाख टन्स कार्बन जो एमिशन है उससे बचत होगी इससे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लगातार बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अपनी कंपनी के बारे में, उनकी जो जो जिस कंपनी से ऑर्डर मिला है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रिटर्न देख लीजिए, यही अभी तक माइनस में था लेकिन ये भी अब प्लस में आता हुआ दिख रहा है। बाकी हर फॉर्मेट में तगड़े रिटर्न इसने दे रखे हैं। वॉल्यूम आप देखिए 10 करोड़ का इसने जनरेट किया है, कल भी 10 करोड़ का जनरेट किया था। 1 वीक का एवरेज 23 करोड़ है, 1 मंथ का एवरेज 28 करोड़ है। तो मतलब इस समय सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के मामले में एक्टिव स्टॉक यही है पूरे इस समय एक्सचेंजेस पे। और डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो लगभग 35% के आसपास डिलीवरी लगभग रोज़ उठाई जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ESM स्टेज में है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी अभी फिलहाल किसी स्टेज में नहीं है। ESM का इसको कोई ख़तरा नहीं क्योंकि मार्केट कैप 21,000 करोड़ से भी ऊपर है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। ये देखिए आप चार्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ से ये देखिए आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ क्लियर दिख रहा है और 17 से 18 रुपये की रेंज में बिल्कुल एग्जैक्टली ये फंसा हुआ है। यहाँ से आपको जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद 19 रुपये एक रेजिस्टेंस तो है ही है, 19 के बाद फिर 22 रुपये एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्द ही आपको ये एक मूवमेंट ऊपर अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, बैक टू बैक ऑर्डर लेके आ रही है, तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं। और बाकी अगर ये 17 रुपये का लेवल तोड़ता है तो गाइस फिर आपको सीधे नीचे आपको ये वाला लेवल पे 15 रुपये के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे हिसाब से गाइस आप जिन लोगों ने पैनी स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं, जिनके मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिलहाल तो जो अभी जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है वहाँ से पैसा भैया कम कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया तो कम कर लीजिए, थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो ठीक है उतना ही पैसा लगाइए कि खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। फिलहाल मैंने तो अपने पोर्टफोलियो से, मैंने बताया था 3-4 दिन पहले ही, 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को सबको निकाल दिया है। अभी जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में शेयर थे लगभग उनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ऊपरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी गाइस, नहीं तो पैसा फंस जाएगा ना, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट और मैसेजेज आ रहे हैं पर्सनली। और इस समय तो पैनी स्टॉक्स के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, अभी विकास लाइफ केयर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, उस पर भी न्यूज़ आई है, मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मिष्ठान फूड्स पे, मिष्ठान फूड्स का तो खैर 500 करोड़ से ऊपर है मार्केट कैप, लेकिन 500 से 1000 करोड़ के बीच में ही है ना, उस पर भी न्यूज़ आई है, उस पर भी क्या कहते हैं मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। कई सारे मतलब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इस पर बताइए, मेरा स्टॉक ESM में आ गया क्या करूँ। तो गाइस देखिए आपको सिर्फ ऑर्डर लगाना पड़ेगा मंडे को 9:30 बजे और हर घंटे ऑर्डर लगता है। एक सज्जन का अभी तक मेरे पास मैसेज आया है जिनका ये कौन सा स्टॉक था, मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, कोई अजीब हमें कमेंट ESM वाले वीडियो में उन्होंने कमेंट भी किया है, तो उनका निकला है, उन्होंने मेरे को कमेंट सेक्शन बताया था कि वो उनका निकल गया है। बाकी अभी तक मुझे फिलहाल किसी का सुनने में नहीं आया कि जितने ऑर्डर लगाया हो जिसका शेयर निकल गया हो।
तो खैर वो सब तो बात की बात है, अभी फिलहाल ये आप स्विच लॉन पे ध्यान दीजिए, अभी एक अच्छा फ्रैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं कोई सेबी लिस्टेड एनालिस्ट नहीं हूँ गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चलिए धन्यवाद।